दोस्तों, ये हमारे पास सैमसंग मेट्रो GT, इसका हमको चार्जिंग सॉकेट चेंज करना है, जो कि आपको सामने ही दिख रहा है कि बस शो हो रहा है चार्जिंग का, बाकी जो है परसेंटेज इसमें बढ़ नहीं रहे, क्योंकि इसके जो है चार्जिंग सॉकेट में बहुत ज़्यादा इशू है, मतलब हमको बदलना ही पड़ा। ये देख लीजिए, यहाँ पे बस शो ही हो रहा है, बाकी इसमें जो पॉइंट है वो नहीं चल रहे, इसलिए हमको इसका जो है चार्जिंग सॉकेट चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट से, फिर इसका जो है चार्जिंग सॉकेट चेंज करेंगे। ये दोस्तों हमने ओपन कर लिया, और ये एलसीडी के नीचे ही जो है चार्जिंग सॉकेट लगा रहता है, मतलब नीचे का पॉइंट चार्जिंग सॉकेट का ये बोर्ड के एलसीडी के नीचे ही रहता है, इसलिए हमने एलसीडी को निकाल लिया। अब दोस्तों, इसको हम यहाँ रख लेते हैं, और इसको जो है हॉट गन की सहायता से हमको निकालना है, क्योंकि ब्लोअर मशीन की सहायता से निकल सकता है और उसी से हमको लगाना। तो सबसे पहले हम इसको हॉट गन की सहायता से निकाल लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद दोस्तों हम इसमें जो है नया जैक लगाएंगे। ये हमने सॉकेट निकाल लिया, जो कि पुराना सॉकेट था, डैमेज था। अब इसके बाद दोस्तों हमको इसमें जो है नया जैक लगाना है। तो इसमें दोस्तों ओरिजिनली काम करता है, कॉपी काम नहीं करता, क्योंकि सैमसंग का मेट्रो मोबाइल है, सैमसंग का कीपैड मेट्रो मोबाइल है, इसमें दोस्तों ओरिजिनली काम करता है। इसलिए आप हो सके तो इसमें ओरिजिनली लगाएं, क्योंकि दूसरा अगर आप लगाएंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, या तो चार्ज नहीं करेगा, या तो मोबाइल हीट करेगा, या तो फिर और कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इसका ओरिजिनली सॉकेट इसमें लगाएं। तो दोस्तों हम इसको हॉट गन की सहायता से इसमें ओरिजिनल सॉकेट लगा लेते हैं। दोस्तों ये लग चुका है हमारा सॉकेट, बस थोड़ी देर और जो हॉट गन की सहायता से हम लगा रहे हैं, इसको प्रॉपर ही बिठा लेना है, इसलिए हम हॉट गन की सहायता से लगेंगे। आयरन से लगाएंगे तो दोस्तों सोल्डरिंग मिक्स हो जाएगी, इसलिए हमको हॉट गन की सहायता से ही लगाना है इसमें, है ना। तो दोस्तों ये देख लीजिए, बस लग ही चुका है ये सॉकेट आपके सामने, देख लीजिए कंप्लीट हो चुका है। अब इसको दोस्तों हम जो है चार्जिंग लगा के देख लेते हैं इसमें चार्जिंग, पहले तो हम बैटरी लगा लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम चार्जिंग केबल भी इसमें लगा के देख लेते हैं ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा।